हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपीपीसीएस जे के मेंस पेपर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर हम उन चेंजेस की बात करें तो पहला चेंज आपको लोकल एक्ट के अंदर देखने को मिलता है, जबकि अगर हम दूसरे चेंज की बात करें तो उसका इम्पैक्ट आपको जीएस पेपर के अंदर देखने को मिलता है। दैट मींस जीएस पेपर के अंदर पहले जो आपके लगभग 10 टॉपिक आपसे पूछे जाते थे वो तो एज इट इज रहेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको लॉ सब्जेक्ट के लगभग 9 एक्ट को पढ़ने की भी जरूरत है। ये बात अलग है कि अगर हम उन 9 एक्ट की लाइन और लेंथ की बात करें तो उस आधार पर उनको माइनर एक्ट का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे और कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में वो एक अहम रोल के साथ साथ एक पैरामीटर भी सेट करेंगे। अब सवाल यहाँ पर ये है कि इसके रिगार्डिंग टारगेट फॉर आईक्यू पे आगामी 20 नवंबर सन 2022 से एक नए बैच की शुरुआत होने के लिए जा रही है। ये बैच सिर्फ और सिर्फ आपका डेडिकेटेड होगा उन 9 एक्ट के लिए जो एक्ट आपके यूपीपीसीएसजे के अंदर जीएस पेपर के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। अगर हम इस ओवरऑल बैच के ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो कार्यकाल होगा लगभग वो होगा 2 से 2.5 महीने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे ठीक सुबह 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस चला करेंगी, और इसके अलावा जो भी आपको नोट्स हैं वो प्रॉपर आपकी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ट्रांसफर किए जाएंगे। लैंग्वेज दो ही होगी, या तो इंग्लिश और या तो हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर भी आपको शामिल किया जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये 9 के 9 जो माइनर एक्ट हैं ये आपको लॉ पेपर के अंदर नहीं बल्कि जीएस पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे, और हम ये मानकर चलते हैं कि जब इनको जीएस पेपर के मेंस पार्ट के अंदर इनको शामिल किया गया है तो ऐसी संभावना हो सकती है कि जब आप जीएस का प्री वाला पेपर दें तो शायद उसमें भी आपको चंद सवाल देखने को मिले। हालांकि प्री के सिलेबस में तो किसी तरह का कोई चेंज का अपडेशन नहीं आया है, लेकिन फिर भी आई वुड लाइक टू मेक रिक्वेस्ट कि जब आप इन टॉपिक्स को मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो लगे हाथों उसके कुछ बेसिक्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखें कि आज वो कौन सा एक्ट है जो आपके एग्जाम के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाएगा, और उसके अंदर भी हम उस टॉपिक के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट उस पर्टिकुलर सेक्शन का या उस पर्टिकुलर एक्ट का कहलाता है। तो आज की क्लास के अंदर जो सब्जेक्ट आपके साथ डिस्कस होने के लिए जा रहा है, आमतौर पर हम लोग इसको द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के नाम से जानते हैं। अगर इसको हिंदी में कहा जाए तो स्त्री अशिष्ट रूपण इन ब्रैकेट प्रतिषेध अधिनियम आपका 1986। अब ये जो पूरा का पूरा एक्ट है, या अगर हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको रोका जा रहा है। कैसे रोका जा रहा है कि आप किसी भी महिला का अशिष्ट रूपण नहीं करेंगे, या उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, या उसको गलत तरीके से प्रक्षेपित नहीं करेंगे। खैर वो तो बाद की बात है, जो अभी थोड़ी देर में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा कि जिस रिप्रेजेंटेशन या इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं वो किस किस तरीके से और किस किस फॉर्म में एग्जीक्यूट होता है। फिलहाल अगर हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि एक सवाल वो आपसे पूछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन इन ब्रैकेट प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट का जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986, यानी कि 1986 के अंदर ये 60वें नंबर का आपका एक्ट था जिसको कि मंजूरी मिली। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब हम इसकी डेट ऑफ असेंट की बात करते हैं, यानी कि इसकी सहमति की बात करते हैं कि आखिर वो दिन कब कौन सा था जिस दिन इसको सहमति मिली, तो वो सहमति का दिन था आपका 23 दिसंबर सन 1986। और अगर हम इस एक्ट के लागू होने की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये एक्ट आपका इन्फोर्स हुआ 2 अक्टूबर सन 1987 को।
जब हम इसके प्रियम्बल यानी कि इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आमतौर पर प्रियम्बल भी कहीं ना कहीं पूरे के पूरे उस एक्ट का एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब हम इस एक्ट के पर्टिकुलर प्रियम्बल की बात करते हैं तो बेसिकली ये कहता है कि हम आमतौर पर एक प्रकार की रोक लगाते हैं। किस तरह की रोक लगाते हैं कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण ना किया जा सके। अब सवाल यहाँ पे ये है कि चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं कि आपने इस एक्ट के माध्यम से रोक लगाई कि महिलाओं का अशिष्ट रूपण ना हो या उनका इनडिसेंट वे में रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि रिप्रेजेंटेशन के कौन कौन से माध्यम है जिनके ऊपर आपने रोक लगाई है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है एडवर्टीजमेंट यानी कि विज्ञापन के माध्यम से। दूसरा आपके सामने निकल कर आता है पब्लिकेशन। तीसरा आपके सामने निकल कर आता है राइटिंग। चौथा आपके सामने निकल कर आता है पेंटिंग। अगला आपके सामने निकल कर आता है फिगर्स। और इन लास्ट आपके सामने निकल कर आता है कि किसी भी अन्य तरीके से। तो आमतौर पर हम इस एक्ट के अंदर जिस इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं या असिस्ट रूपण की बात कर रहे हैं उसको किस तरीके से सर्कुलेट किया जाता है उनके ये डिफरेंट मोड्स एंड मीडियम है, जैसे कि आपका एडवर्टीजमेंट, पब्लिकेशन, राइटिंग, पेंटिंग, फिगर्स या किसी भी अन्य तरीके से। अगर कोई भी व्यक्ति इस ऐप के अंदर चीजों को करता हुआ पाया जाता है या करने का प्रयास करता है या कर रहा है तो हम ये मानकर चलते हैं कि इवन दो इंडियन पिनल कोड के अंदर आपको ऑब्सेनिटी का पूरा एक डिफरेंट क्लॉज देखने को मिलेगा, लेकिन अगर लॉ ये चाहे तो उसको इस एक्ट के अंदर भी बुक कर सकता है। अब रहा सवाल ये कि इस एक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या कितनी है, तो वो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस की संख्या है 10। अब यहाँ पे आमतौर पे यूजुअली इस एक्ट को द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द विमेन एक्ट 1986 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर विमेन क्या है वो आपको और हमें सभी को पता है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है। इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन को अगर हम शुद्ध हिंदी में देखें तो इसको कहा जाता है अशिष्ट रूपण। लेकिन अब सवाल ये है कि आप अशिष्ट रूपण कैसे करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो शब्द निकल कर आया है वो आया है आपका डिपिक्शन। डिपिक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप अपने शब्दों के माध्यम से या आप किसी इमेज के माध्यम से या आप किसी अन्य माध्यम से आप उस महिला को प्रोजेक्ट या उस महिला को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ द डिपिक्शन। डिपिक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है और इसको आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप किसी भी महिला की जो इमेज होती है या उसका जो भी अटायर होता है जब आप उसको अपने शब्दों के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, किसी इमेज के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, सो दैट इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द डिपिक्शन। दूसरी बात यहाँ पर कही गई है फिगर ऑफ ऑफ विमेन, यानी कि आप अब उस महिला को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके फिगर के माध्यम से, उसके शरीर के माध्यम से, उसके शरीर के किसी अन्य पार्ट के माध्यम से या किसी भी तरीके से। तो यहाँ पे जब हम फिगर की बात करते हैं तो फिगर का मतलब आमतौर पर होता है उस महिला का जो एक शारीरिक आकार है, उस महिला का जो पूरा का पूरा हड्डियों का एक ढांचा है या उस महिला के शरीर के अंतर्गत कितनी मसल्स हैं, कितना फैट है और वो फैट शरीर के किस किस भाग के ऊपर केंद्रित है। तो आमतौर पर ये पूरा का पूरा जो आपका कॉन्सेप्ट है ये फिगर ऑफ दी वुमेन की बात करता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर डाला गया है वो आपको नजर आएगा हर फॉर्म। फॉर्म का मतलब ये होता है या तो आप पूरे के पूरे इंटायर शरीर या पूरे के पूरे इंटायर स्केलेटल या पूरे के पूरे इंटायर फैट ऑफ दी बॉडी या मसल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप किसी एक खास पार्ट को अलग तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जो प्रोजेक्शन का जो तरीका है ना वो अशिष्ट रूपण का है यानी कि इनडिसेंट मोड का है, ठीक है। और जो अगला पार्ट है वो ये कहता है बॉडी। जब हम बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी का मतलब होता है आपके शरीर के फिजिकल फॉर्म से, यानी कि यहाँ पर आपका मेंटल या आपका इंटेलेक्चुअल फॉर्म बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता है। तो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जब एक व्यक्ति इस मेंस्रिया से
एक महिला के शरीर का या उसके शरीर के किसी अंग का या उसके स्केलेटल स्ट्रक्चर का या उसके मसल्स का या उसके शरीर के किसी एक अंग के ऊपर एकत्रित मसल्स या फैट का इस तरीके से चित्रण करता है कि वो अपने आप में एक इंडिसेंट रिप्रेजेंट करता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि आपने इस एक्ट के तहत एक अपराध को कमिट किया है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप उस महिला का अशिष्ट रूपण कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से आपने उस महिला को रिप्रेजेंट किया है, जिस तरीके से आपने उस महिला के शरीर को रिप्रेजेंट किया है, या जिस तरीके से आपने उस महिला के उस पर्टिकुलर अंग या उस अंग के एक खास पार्ट को रिप्रेजेंट किया है, वो एक डेरोगेटरी इन नेचर है। डेरोगेटरी का मतलब ये है कि आमतौर पे जब उन चीजों को जनता के सामने लाया जाता है या आम जनमानस के सामने लाया जाता है, तो लोगों की जो ओपिनियन है काफी ज्यादा लो हो जाती है। लोगों के अंदर उस महिला के प्रति जो सम्मान का भाव है वो भाव भी काफी ज्यादा कम हो जाता है। दूसरा शब्द यहाँ पर किया गया है डी नाइग्रेटिंग। डी नाइग्रेटिंग का मतलब ये है कि जब आप किसी महिला को एक गलत तरीके से या अनुचित तरीके से आप उसको क्रिटिसाइज करते हैं, या आप उसके शरीर के अंगों को क्रिटिसाइज करते हैं, या उसका जो शरीर है या उसकी जो वैल्यू है आप उसकी वैल्यू को काफी कम आंकते हैं, तो हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर भी आप एक ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो इस एक्ट के अंदर प्रोहिबिटेड बाय दी लॉ है। कुल मिला के आपके पास ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है, आपके पास ऐसा कोई भी राइट नहीं है कि आप किसी महिला के शरीर के ऊपर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करें, और अगर ऐसा करते हुए आप पाए जाते हैं तो बेसिकली लॉ ये कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, डीनाइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि उसकी वैल्यू को या उसकी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला जो शब्द यहां पर आपके सामने लाया गया है दैट इज कॉल्ड डिप्रेव। डिप्रेव का मतलब ये है कि आपने उस महिला को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि उसकी मोरल वैल्यूज के अंदर कमी आ गई। मोरल वैल्यूज का मतलब ये है कि समाज जिस मोरल वैल्यू से उसको देखता था अब समाज उस मोरल वैल्यू से उसको बिल्कुल भी नहीं देख रहा है। तो कुल मिला के आपने जो एक्ट किया है कहीं ना कहीं मोरली और इथिकली रूप से वो कहीं ना कहीं गलत है। अगला जो शब्द आपके सामने निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड करप्ट। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचार यहाँ पर नहीं होगा, बल्कि करप्ट का मतलब ये है कि आप उस महिला के प्रति जो आपका बिहेवियर है वो एक डिसऑनेस्ट है या एक अनुचित तरीका है, तो भी ये माना जाता है कि आपने जो एक्ट कमिट किया है वो इस एक्ट के अंदर किया है आमतौर पर एक ऑफेंस है, और अगर आप कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो आमतौर पर जो पब्लिक की जो मोरलिटी होती है या उनके जो मोरल्स होते हैं उनको इंजर्ड करने की कोशिश करते हैं, उनको चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी अपने आप में क्या होता है, एक प्रकार का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन होता है। तो देखिए सर, ये जो पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट है ये आपके मेंस के लिए बहुत ही जरूरी है। आमतौर पे यहाँ पर जिस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है आमतौर पर इसको डिफाइन किया गया है आपके इसी एक्ट के सेक्शन 2 के सब क्लॉज सी में, और मेरी इंट्यूशन कुछ ऐसा कह रही है कि आमतौर पर अगर इस एक्ट से कोई सवाल पूछा गया तो वो सवाल आपका जरूर होगा कि काइंडली डिस्क्लोज और काइंडली डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन। और इन्हीं सारी चीजों को लेके इस 20 नवंबर से आपके लिए प्रॉपर एक लाइव क्लासेस को कंडक्ट किया जाएगा, और अगर आप चाहें तो आप डिस्प्ले पर दिए गए नंबर 7500110314 पे कॉल या मैसेज करके आप अपने आप को इनरोल करा सकते हैं ताकि समय रहते इस पेपर को भी तैयार किया जा सके, क्योंकि जैसा कि खबरों के माध्यम से हमें और आपको सबको पता चल रहा है कि सब कुछ
ठीक ठाक रहा तो बहुत ही जल्द हमें नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये बात हम दोनों ही जानते हैं कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो हमारे पास कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता है तैयारी के लिए। तो इट्स बेटर कि आप बहुत ज्यादा डिले ना करें अगर वाकई में आप यूपीपीएससीजी की अपकमिंग नोटिफिकेशन को लेके सीरियस है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर आरक्यू एज वेल एज मी। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके माइनर एक्ट हैं उनके उन पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर भी वीडियो बनाई जाए तो आप उसका जिक्र कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी एक वीडियोस बना के आपके साथ जरूर शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।